थर्टी साहब, एनसीआर में मुजफ्फरनगर के आने के बाद बहुत सारे नियम चेंज हो जाते हैं जो दिल्ली के अकॉर्डिंग लगते हैं, क्या कुछ नियम? एक्चुअली माननीय एनजीटी ने 2015 में एक आदेश जारी किया था कि एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे। मुजफ्फरनगर के एनसीआर में आ जाने के बाद तभी से ये आदेश मुजफ्फरनगर में भी लागू हो गया। तो हमारे यहाँ जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन हैं उनका या तो वाहन स्वामी एनओसी लेके जाएगा किसी दूसरे जनपद के लिए, या अपने वाहन का पंजीयन रद्द कराएगा, उसका यहाँ कोई काम नहीं किया जाएगा। जैसा कि माननीय एनजीटी का आदेश है उसका अपन पालन किया जा रहा है, और 10 साल पुराने डीजल के वाहन का और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन का कोई काम नहीं किया जाता। सर, परिवहन विभाग के सामने एक समस्या और आ खड़ी हुई है कि किसान जो है वो अपने पुराने ट्रैक्टर छोड़ना नहीं चाहते जी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया गया, क्योंकि संगठन काफ़ी सामने आए जी? इसमें भारतीय किसान यूनियन ने अपना एक प्रत्यावेदन उनको डीएम साहब को दिया था, चूँकि ये परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ मैटर है, तो डीएम साहब ने वो उनका प्रत्यावेदन हमारे को फॉरवर्ड कर दिया था और उस प्रत्यावेदन को हमने आगे सेशन को फॉरवर्ड कर दिया। तो इसमें अभी क्या सेशन का निर्णय होता है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी सेशन का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा।